डेली इस मनोज घर के यहां से गुजरना पड़ता है। और कोई रास्ता भी नहीं आपकी से घर लौटने के लिए। पता नहीं कब तक ये घर ऐसे ही खाली पड़ा रहेगा, कोई खरीदता भी तो नहीं है। मुझे तो लगता है आग लगानी पड़ेगी इस घर पे ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए। पता नहीं किसकी आत्मा है। शकल दिखाने आती है। But anyways, I'll manage. वैसे भी मुझे हॉस्पिटल के नजदीक रहने की ज्यादा जरूरत है बजाय इस बिजली की। It's okay. मम्मा कितना सुंदर घर है, इतने सारे प्लांट्स और बर्ड्स हैं। हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं था। अरे बेटा, तभी तो हम आपको यहाँ लाए हैं, आपको ये सब बहुत पसंद आएगा। अब मैं घर ले जाऊं? हाँ, जाओ 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 जाओ। सोनिया, आर यू श्योर तुम इस घर में रहना चाहती हो? दोबारा सोच। अनिल, तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। तुम एक हफ्ते बाद वापस आ रहे हो ना, एक हफ्ते की तो बात है, तब तक मैं बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगा, चिंता मत करो। पर तुम अनिल, तुम्हें पता है दिया को इलाज की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे एब्सेंस पे दिया को कुछ हो। और हम एक कैंसर की वजह से अपने बच्चे को खो नहीं सकते। अभी ये घर हॉस्पिटल के नजदीक है। घर से हॉस्पिटल पहुंचने में पूरे 2 घंटे लगते। या बार बार चेकअप कराने जाती तो परेशान हो सकती थी। और डॉक्टर नितेश, वो भी तो इस घर के पास ही रहते हैं, उन्हें इमरजेंसी में दिया का चेकअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों की 1 महीने की छुट्टियाँ हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। सोनिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारी दिया को कुछ नहीं होगा, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। देखो ना मम्मी, रिकी भाई मुझे खेलने नहीं दे रहा है। रिकी, ठहर जा तू। सॉरी मम्मा। अब हम लोग घर के अंदर जाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। रिकी, दिया। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। ये? ओ, मैं इस घर के बारे में। ये? आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मिस्टर अनिल, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। देखिए सोनिया जी, मैं तो इस घर में रहता नहीं, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है ज्यादा इस घर के बारे में। पर लोग कहते हैं कि इस घर में प्रेत आत्माओं का साया है, भूत रहते हैं यहाँ, और आसपास के लोगों ने तो बहुत ही अजीब अजीब कुछ देखा है और सुना भी है इस घर के बारे में। क्या मिस्टर सुशील, आप भी इन सब बातों पर यकीन करते हैं? देखिए, हम दोनों डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हुए, अनपढ़ गवार नहीं है जो इन सब बातों पर विश्वास करेंगे। और वैसे भी कोई भी घर इतने टाइम से बंद हो तो लोग अक्सर उसके बारे में बातें करते हैं, कहानियां बनाते हैं। इसी तरह से आपके घर के बारे में भी लोगों ने कहानी बना दी। देखिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम लोग यहीं पर रहेंगे। जी भाई साहब, हम लोग इन बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो ये चल। हाँ
पता नहीं क्यों लोगों ने इतनी कहानियां बना के रखी हैं। अच्छा तो है रिकी, बेटा आराम से खेलो, दिया को चोट लग जाएगी। ओके मामा। मामा, हम घर के बाकी रूम्स देखकर आए। ओके जाओ। चल दिया। अच्छा अनिल, तुमने डॉक्टर को तो फोन किया ना? हाँ, यहाँ आने से पहले मेरी डॉक्टर से बात हो गई थी। देखने आने वाले हैं ना, क्या क्या कर रही हो? रिकी भाई अंदर छुप गए। रिकी, रिकी बेटा बाहर आओ। रिकी मैंने बोला बाहर आओ। रिकी बाहर आओ बेटा, डॉक्टर अंकल आने वाले हैं ना। रिकी लड़का भी ना देखी। हाँ मम्मा। दिया, तुम तो बोल रहे थे कि रिकी अंदर है, अरे तो बाहर से आ रहे। हाँ मम्मा, मुझे तो यहाँ से आवाज आ रही थी। अरे दिया, मैं तो रूम से तभी चला गया था जब तुम मुझे ढूंढ रही थी, तो भला मैं इस अलमारी में कैसे छुपूंगा? अच्छा अच्छा ठीक है, कौन कहाँ छुपा था ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जल्दी चलो डॉक्टर अंकल आने वाले है ना। दिया बिटिया अच्छी है। गुड गुड। अच्छा मेरी चॉकलेट्स। थैंक यू। अरे क्यों? पहले आप मुझे प्रॉमिस करो कि मुझे बार बार हॉस्पिटल में नहीं आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो दिया बिटिया, जब आप ठीक हो जाओगी तो मैं आपको बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा, लेकिन ठीक होने के लिए आपको बार बार हॉस्पिटल आना पड़ेगा। आप एक बार ठीक हो गई तो प्रॉमिस आपको कभी हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा। मम्मा मैं कब ठीक होंगी? बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। अनिल जी, आप लोगों ने एक काम बहुत अच्छा किया कि आप लोग हॉस्पिटल के नजदीक रहने आए। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ठीक है सर। साहब आप दिया की कंडीशन कैसी है? देखिए कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है, हमने ट्रीटमेंट का दूसरा फेज शुरू कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि काम करें, लेकिन आप लोग एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, इस ट्रीटमेंट का दिया पर गहरा असर पड़ेगा। हो सकता है उसे कुछ चीज़ों का वहम होने लगे, कुछ अजीब अजीब चीज़ें सोचने लगे, कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगे। ऐसे में आप लोगों को दिया का पहले से ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अब मैं चलूंगा, मुझे भी बाहर किसी काम से जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए सोने। मामा मामा, हम भी बाबा को छोड़ने को चलेंगे। आइए। Bye.
5 days में अंदर चले चल। लाइट चली गई, चलो अंदर अंदर जाके टॉर्च चलाते चलो। चलो देखिए बेटा आप जरा दिया के पास रुको, मैं कैंडल जलाती हूँ। ओके मामा। मैचेस यही रखी थी, ये रे। अच्छा वो आते हुए कैंडल ले लिया, पता नहीं ये अंधेरे में होता। दिया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अगर तुम्हें डर लगता है तो मुझे बुला लेना, मैं यूँ तुम्हारा डर भगा दूंगा। अच्छा मेरा बेटा। शुरू कर दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि ये काम करेगा, लेकिन आप लोग एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, इस ट्रीटमेंट का दिया पर गहरा असर पड़ेगा। जाओगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेलोगे, पर उसके लिए आपको मेरी और डॉक्टर अंकल की बात माननी पड़ेगी। मैं आपकी बात मान
पर डॉक्टर अंकल की नहीं। क्यों? वो मुझे कड़वी कड़वी दवाया देती है और बड़े बड़े इंजेक्शन। ऐसे नहीं कहते, डॉक्टर अंकल आपको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अब फिर कुछ दिन की बात तो रहेगी ये बस, इसके बाद आप ठीक हो जाओगे। आप मेरे पास ही रहोगे ना? हाँ बेटा, बेहोश जाऊंगी। चलो क्लोज योर आईज।
क्या क्या सोच रहे थे सोनिया? ये तो आंधी के कारण खिड़की है। मुझे लगा कुछ चोर या फिर भूत। और सोनिया वो ऐसा कैसे सोच सकती है? ये आंधी बिना क्यों चुना जी? क्या तुम्हें इस घर के बारे में कुछ पता नहीं है? यहां एक दिन से ज्यादा कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। अगर कोई भी यहां एक रात बिताता है तो सुबह होते ही यहां से भाग जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। देखिए, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, पर सच ये है कि हम इस घर में कल रात से ठहरे और हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब जाहिर है कि आपने जो कहा वो सब गलत है। ये सब आपके दिमाग का एक फितूर। और वैसे भी मैं इन सब बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती।
कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर होती हैं, इसलिए हम उन पर यकीन नहीं करते। लेकिन ये संसार और इसके राज बहुत बड़े हैं और हम सबकी समझ से बाहर है। लेकिन फिर भी अगर तुम यहां रहना चाहती हो तो रहो, लेकिन संभल के रहना और इस घर से सावधान रहना। दरवाजा बंद करना कैसे भूल? देखिए तू यहीं रुक, मैं भी आ रही हूं। भैया ने मेरी डॉल कहाँ छुपाई? जाते हैं। मामा आपके लिए सुंदर सी डॉल आई है, चलो बैठो फटाफट। चलो रिकी, चलो बेटा जल्दी बैठो। हाँ चलो चलो फटाफट। इस परिवार की रक्षा करना। आहा, ये बेटा, चल। आराम से
गई। मामा ये बैट बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। ये बैट तो मेरे पिछले वाले बैट से भी अच्छा है। यस। चलो दिया बेटा आप सुनने की कोशिश करो। रिकी बेटा आप अपनी बहन के पास बैठो, मैं आप दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। चलो रिकी इधर। मम्मा ने माचिस कहाँ रखा? हाँ याद है, ड्रॉवर में।
खुल जाती है और ऐसी आवाज करती है जैसे कोई कोई इंसान डर ही जाए। इस घर में एक आदमी तो बस इस खिड़की को बंद करने के लिए चाहिए। घर भी तो कितना पुराना है ना, सफाई करानी पड़ेगी। रिकी तू दिया के साथ रह, मैं डॉक्टर अंकल को फोन करके आती हूँ। हाँ हेलो जी डॉक्टर, पता नहीं दिया को इतना बुखार कैसे हो गया, रात को तो ठीक थी वो। जी नहीं डॉक्टर, मुझे नहीं लगता वो हॉस्पिटल आ पाएगी। कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज, क्या आप यहाँ दिया को चेक करने आ सकते हैं? जी आप शाम को आ जाइए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच।
पता नहीं इसको इतना तेज बुखार कैसे हो गया, सुबह से इसकी यही हालत है और कुछ बोल भी नहीं रही। की हालत तो खराब होती जा रही, बुखार कम करने के लिए इसे एक स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन देना है। आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, प्रॉमिस, एक सेकंड लगेगा। मुझे नहीं इंजेक्शन लगवाना है, मुझे बहुत दर्द होता है। बेटा? नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना है। बेटा, इंजेक्शन लगाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे ना? हाँ? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। नहीं मम्मा, मुझे छोड़ो। और स्लाइड को भी अभी जाना था। अच्छा मैं अब चलूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ। देखिए बेटा, आप दिया के पास बैठे, मैं डॉक्टर अंकल को बाहर तक छोड़ के आती हूँ। आइए सर। आपको क्या लगता है, दिया इस बीमारी से कभी उभर पाएगी? देखिए, नेक्स्ट टाइम आप जब दिया को हॉस्पिटल लेकर आएंगे तो शायद आपको कुछ अच्छी खबर मिले। जी, मतलब? मैंने दिया के ट्रीटमेंट के पेपर केस स्टडी के लिए जिनेवा के एक डॉक्टर के पास भेजा और मुझे पूरी उम्मीद है कि रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा। अगर वो डॉक्टर मान गए तो वो हमें दिया को वहाँ लेकर जाना पड़ेगा और वहाँ उसका बहुत अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा। सब ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप प्लीज जल्दी से उन डॉक्टर से बात कीजिए। मैंने बात की है, उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलता हूँ, गुड नाइट। आपको मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आपको ठीक लगे तो आप आज रात को यहीं रुक सकते हैं, आप सुबह मैकेनिक को दिखा लीजिए। लेकिन आप संकोच मत कीजिए, घर बहुत बड़ा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज कम। ठीक है।